हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टॉक विद एनएच में। तो फ्रेंड, आज हम फिर हाजिर हैं बिल्कुल नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड, आइए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते, देखते हैं आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो फ्रेंड, आइए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो उस टॉपिक के बारे में, जैसे आपने आर ए फॉरेस्ट का नाम जो सुना होगा, आर ए फॉरेस्ट जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, उसको अभी काटने की बात चल रही है। वहाँ पर कुल टोटल मिला के 2185 पेड़ को काटने की बात कह रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर उनको मेट्रो का डेवलपमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, इस बात को हम आज एनालिस करेंगे, इस टॉपिक को हम एनालिसिस करेंगे कि ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, क्यों जरूरी है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, आज हम इस बारे में पूरी बात करेंगे। फ्रेंड, सबसे पहली बात तो बीएमसी की, वहाँ पर मुंबई में एक ट्री अथॉरिटी है जो इस बात का निर्णय लेती है कि वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ कटने चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए। तो फ्रेंड, वहाँ की जो ट्री अथॉरिटी है, वहाँ पर अगस्त में ये फैसला ले लिया था कि मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर 2100 के आसपास पेड़ कटने चाहिए। तो फ्रेंड, इसका जो फैसला अगस्त में ही हो गया था जब वहाँ पर एक वोटिंग हुई थी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसमें शिवसेना, बीजेपी, एनपीसी, कांग्रेस सब साथ में थे। तो वहाँ पर सिर्फ शिवसेना ने वहाँ पर सिर्फ अपोज किया था इस बात को, कांग्रेस ने पूरी तरह बायकॉट कर लिया था, और एनपीसी और जिसने बीजेपी के हक में वोट किया था। फ्रेंड, उसके बाद 8:6 के वोट से बीजेपी जीत गई थी, जिसके कारण इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड, इसी बात को लेकर बहुत सारी अभी पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में, कुल मिलाकर 4 पिटीशन फाइल हुई थी कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है ये पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के को रोकने के लिए, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत खतरा हो सकता है, ऐसा कह के वहाँ पर 4 पिटीशन फाइल की गई थी वहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट में, पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी 4 पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। फ्रेंड, उसका मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अभी हरी झंडी दे दी है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। सो फ्रेंड, अब बात करते हैं कि जो ये एरे फॉरेस्ट है वो है क्या और कहाँ पर है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ताकि इतने लोग, मेनली जो यूथ है वहाँ पर, वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको मुंबई का मैप दिखाता हूँ, आपको सामने मुंबई का मैप दिख रहा होगा, इसमें से बड़ा सा ग्रीन पार्क दिख रहा होगा, ये है राजीव गांधी नेशनल पार्क, सिर्फ मुंबई में यही है जिसको हम ग्रीन लंग्स ऑफ मुंबई कहते हैं। तो इतना बड़ा पार्ट ये मुंबई का, जिसमें पूरा फॉरेस्ट से कवर है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। बाकी पूरे मुंबई को आप देखोगे तो पूरा कंस्ट्रक्टिव साइट है, वहाँ पर पूरा कॉन्क्रीट मतलब बिल्डिंग मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो मुंबई के बीच में इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया कवर है जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। इस राजीव गांधी नेशनल पार्क के साइड में देखिएगा, एक एरा कॉलोनी नाम की जगह है, वहीं पर है ये एरे फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, ये मेनली जो ये फॉरेस्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसे ग्रीन लंग्स ऑफ मुंबई का। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एरे फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरा मुंबई के मैप चारों तरफ से पूरा कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है, तो बीच में यही एक जगह बसती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है, फॉरेस्ट एरिया से कवर है, जो कि ग्रीन लंग्स ऑफ मुंबई भी कहा जाता है, जिससे कि मुंबई का लार्ज पार्ट जिसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें बहुत ही जरूरी है, मुंबई के लार्ज पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड, इसलिए इस व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, पहली बात आप बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट क्यों कर रही है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट, जो एरे फॉरेस्ट है, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, जब वहाँ पर इसको फॉर्मेशन हुआ था, तो ये कभी फॉरेस्ट था ही नहीं, सिर्फ वही फॉरेस्ट का दर्जा मिला ही नहीं हुआ है। ये पहले डेयरी फार्मिंग थी, पर ये डेयरी फार्मिंग पिछले 20-30 सालों में इतना ग्रो कर गया, वहाँ पर इतने से पेड़ उगाए गए कि इसने फॉरेस्ट का रूप ले लिया, लेकिन अभी तक इसे फॉरेस्ट का दर्जा नहीं दिया गया। इसे अभी तक एक डेयरी फार्मिंग एरे कॉलोनी के नाम से ही जाना जाता है, जहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत सारे पोल्ट्री फार्म इन सब के लिए वहाँ पर जमीनें। सो फ्रेंड्स, टोटल मिला के 3160 मतलब 3160 एकड़ में ये पूरा एरे कॉलोनी फैली हुई है, जिसमें से कि बहुत सारे जो पार्ट हैं, जमीन है, बहुत सारे एकड़ पोल्ट्री फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर लैंड, मतलब बहुत सारी चीज़ों, एग्रीकल्चर लैंड तो गलत कहूँगा मैं, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए वहाँ पर अलॉटेड है, जिसमें से 81 एकड़ अभी मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन को अलॉट किए हैं, जिससे कहा वहाँ पर मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन 2000 पेड़ों को काट रही है ताकि वो मेट्रो का डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं, वहाँ पर एक अश्विनी चौबे नाम की IAS ऑफिसर है जो वहाँ पर दिल्ली मुंबई मेट्रो मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन में वहाँ पर काम करती है। फ्रेंड, उनका ये कहना है कि हमने यहाँ पर 2000 पेड़ काटे हैं, वो पूरे डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए काटे हैं, पर इसके बदले में हमने 24000 पेड़ लगाने का वादा किया, जिसमें से 21000 पेड़ हमने राजीव गांधी नेशनल पार्क में हमने पहले से ही लगा दिए हैं।
फ्रेंड इसकी पूरी भरपाई वो करने को तैयार है। उनका ये कहना है इसमें 21,000 पेड़ों को उन्होंने पहले ही वहाँ पर प्लांट कर चुके हैं, अब सिर्फ 3,000 पेड़ों को और प्लांट करना बाकी है। फ्रेंड उनका ये कहना है कि हम इसकी पूरी भरपाई कर देंगे और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए है, तो इसे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, इनका ये कहना है। वहीं एक तरफ बात करेंगे हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की, तो उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि इस पेड़ों को जो काटा जा रहा है वो बिल्कुल डेवलपमेंट पर्पज के लिए काटा जा रहा है, जैसे कि मेट्रो का डेवलपमेंट होगा, और मेट्रो का डेवलपमेंट होगा तो पब्लिक जो लार्ज पार्ट ऑफ पब्लिक है वो ट्रांसपोर्ट को छोड़ के मतलब गाड़ियों और कारों को छोड़ के मेट्रो में सफर करेगी, जो कि गाड़ियों से मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि गाड़ियाँ और जो बाइक हैं वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, और उसके बदले में मतलब उसके कंपेयर में जो मेट्रो है वो कितना कम करती है। तो इसी व्यू को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम इसका डेवलपमेंट मतलब लास्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, मतलब वुमन सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जो कि उसी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। फ्रेंड जो यहाँ के जो दिल्ली मेट्रो के वहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं उनका भी ये कहना है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुंबई में हो रहा है ये बहुत ही सही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने अपने दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल देते हुए ये समझाया कि दिल्ली मेट्रो में भी जब वहाँ पर मेट्रो का डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पर ऐसे पेड़ काटे गए थे, पर उन्होंने इसके बजाय एक पेड़ के बजाय 5 पेड़ वहाँ पर प्लांट भी कर दिए। मतलब वहाँ पर अगर 2,000 पेड़ काटे गए तो उसके बदले में वहाँ पर 10,000 पेड़ प्लांट कर दिए गए। फ्रेंड मतलब वहाँ पर भी ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो चुका है, तो इसलिए वो भी इनका साथ दे रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसके बदौलत वैसे भी महाराष्ट्र ने 24,000 पेड़ वैसे ही प्लांट करने का प्लान कर चुका है, उसमें 21,000 पेड़ प्लांट उन्होंने पहले से ही कर चुके हैं, तो वो भी इन पूरे पार्टों को साथ दे रहे हैं जो दिल्ली के आर्किटेक्ट मेट्रो के। और उन्होंने बताया कि इन सब सक्सेसफुल की वजह से दिल्ली के जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है तो बहुत ही कम आए, मतलब मात्रा में गिरावट आई है मेट्रो का यूज़ करने के लिए। और आज दिल्ली में 377 किलोमीटर की मेट्रो लाइन फैली हुई है, जहाँ पर 294 स्टेशन में मेट्रो चलती है। फ्रेंड उन्होंने दिल्ली का एग्जांपल देके ये बात समझाई है। सो फ्रेंड बात करते हैं कि जो जितना ये प्रोजेक्ट हो रहा है ये सही है कि गलत है, मैं क्या सोचता हूँ माय पॉइंट ऑफ व्यू में। और सही बात ये है कि जो देवेंद्र महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड जैसे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें 2,000 पेड़ कट रहे तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले से ही उन्होंने प्लान कर चुका है कि हम इसके बदले में इतने पेड़ वहाँ पर लगाएंगे। और इसमें ये भी होगा कि जो लास्ट पार्ट ऑफ पब्लिक है वो गाड़ियों मोटर छोड़कर मेट्रो को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो बहुत में गिरावट आएगी। मैंने आपको चार्ट पहले दिखा चुका है, फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को जितना कम करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा सकती है हमें करनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऐसा है जो आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आगे चल के 50-55 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर तो कम रहना ही नहीं है, 45-50 तो आप मान के चलिए इतना रहना ही रहना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इसलिए अगर थोड़े से भी कम होता है तो हमें इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट हर जगह पे होने चाहिए, हर बड़ी बड़ी सिटीज पे मेट्रो को लाना चाहिए। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए।